अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊँगी कि आप PTCL में जॉब्स के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। अपना ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप अपने ब्राउज़र की सर्च बार में ptcl.com.pk एंटर करेंगे। ptcl.com.pk को जब आप एंटर करेंगे तो आपके सामने PTCL का होम पेज शो होगा। इस होम पेज में आप ऊपर देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस में से आपने वर्क एट प्लेस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वर्क एट प्लेस का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपने सर्च फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर क्लिक करना है। सर्च फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर क्लिक करने के बाद यहाँ जॉब डिस्क्रिप्शन में आप जॉब्स देख सकते हैं कि PTCL में कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अभी सिर्फ 3 जॉब्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और SMA। तो मैं असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए अप्लाई करती हूँ। ये इसका इंटरफेस है। अगर आपने इसमें लॉग इन किया है तो आप सिंपली लॉग इन करेंगे, नहीं तो आप इसमें नया अकाउंट भी बना सकते हैं। उसके अलावा आप गूगल से इसमें एंटर कर सकते हैं। मैं सिंपली गूगल से इसमें एंटर करती हूँ। मैं यहाँ अपनी आईडी से लॉग इन करती हूँ। यहाँ आपको ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन है जो आपने उनको गिवन करनी है, जैसे फर्स्ट है रिज्यूम अपलोड। यहाँ आपको अपनी CV अपलोड करनी है। अगर आप CV अपलोड नहीं करना चाहते, यहाँ पे आप आई डू नॉट वांट टू अपलोड अ रिज्यूम का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपने सेलेक्ट करनी है तो आप आई वॉन्ट टू अपलोड अ रिज्यूम का ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी CV अपलोड कर सकते हैं। जब आप सेव और कंटिन्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आगे सामने तो फिर आपके सामने दूसरा ऑप्शन आएगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन में आपने अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, आपका जेंडर, ब्लड ग्रुप वगैरह और CNIC नंबर वगैरह, आपके होम का एड्रेस, कि आपका रिलीजन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन मेंशन कर लेंगे तो आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जब आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस जॉब स्पेसिफिकेशन ऑप्शन में आपने वो सारी जॉब्स लिखनी हैं जो आप अभी करेंटली कर रहे हैं या कर चुके हैं, उसका ड्यूरेशन कितना था, लास्ट टाइम आपने कब स्किप किया वहाँ से, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इस ऑप्शंस में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप सिंपली नन करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपके पास आएगा एजुकेशन का। एजुकेशन में आप अपना इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे और रिसेंटली जो आपने डिग्री हासिल किया या जो डिग्री आपने पास किया है उसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, अपना प्रोग्राम लिखेंगे और उसके बाद आप सेव और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन होगा एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। इस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आप अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखेंगे, आपने कितना एक्सपीरियंस किया है, आप कौन सी जॉब कर रहे थे, टाइटल जॉब, ये सब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। सेव और कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा सर्टिफिकेशन। यहाँ आपने सर्टिफिकेशन लिखनी है, कोई आपने सर्टिफिकेट लिया है या कोई आपने डिप्लोमा किया है उससे रिलेटेड यहाँ पे आप उसका उसकी इंफॉर्मेशन देंगे और किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने किया है वो। जैसे मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर का डिप्लोमा किया, यहाँ मैं वो लिखूँगी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखूँगी और सेव और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगी। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा रेफरेंस का। इस रेफरेंस ऑप्शंस में आपने वो मेंशन करना है कि आपको किसी ने रेफ़र किया है या आप किसी के रेफरेंस से आए हैं ये जॉब करने, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपने इसमें लिखनी है। और अगर नहीं तो आप इसको सिंपली स्किप कर सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा
फाइल अटैचमेंट, यहाँ आप अपनी CV अटैच कर सकते हैं, अपने पेपर्स अटैच कर सकते हैं, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, डिग्रीज के जो सर्टिफिकेट्स हैं आप वो अटैच कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद लास्ट ऑप्शन आपके पास है रिव्यू एंड सबमिट। यहाँ आप अपने सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, जो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी है या अपनी एजुकेशन की जो इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ कहीं भी कोई चेंजिंग करनी हो आप एडिट का बटन साथ देख रहे हैं उस पर क्लिक करके आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करें और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। शुक्रिया।